सभी साथियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और आपके और आपके परिवार में सुख समृद्धि आए, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से अपेक्षा करता हूँ। प्यारे मित्रों, जैसे आपको अवगत है कि 5 सितंबर को यमुनानगर जिले में शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी के निवास पर गेस्ट टीचर की तरफ से यह प्रदर्शन होने जा रहा है और अब तक के प्रदर्शनों में यह सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा और आपके यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का जो सौभाग्य है कि यह प्रदर्शन का जो रिजल्ट्स परिणाम होगा वह यमुनानगर जिले की इस पावन धरती से ही होगा। तो 5 सितंबर को अपनी बहन नैना यादव के नेतृत्व में और गेस्ट टीचर के जितने भी संगठन हैं, सब संगठनों के वर्तमान प्रधान या पूर्व के जो प्रधान रहे हैं, सभी ने एक साथ मिलकर और एक प्लेटफार्म पर आकर एक प्रदर्शन करने का जो है निर्णय लिया है और प्रदर्शन में सभी एक प्लेटफार्म पर, एक ही मंच पर सभी संगठनों के प्रधान, पूर्व के जो प्रधान रहे, वर्तमान में जो प्रधान, सब एक साथ इकट्ठे होकर इस प्रदर्शन करने का जो निर्णय लिया है, तो ये सब सबसे अच्छी खबर है, खुशी की खबर है कि सभी साथी आज एक मंच पर हैं और सबका एक ही लक्ष्य है और एक ही मांग है, रेगुलर की मांग। इससे पहले सरकारें आती रही जाती रही और थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ देकर जो है मुंह बंद करती चली गई, लेकिन जो हमारी असली समस्या है रेगुलर की, जो रेगुलर टीचर को एक सुविधाएं मिलती हैं, तो वो सुविधाओं से आज भी गेस्ट टीचर जो है वंचित हैं। 15-16 साल की सर्विस में आने के बावजूद भी आज रेगुलर टीचर की तरह जो सुविधाएं गेस्ट टीचरों को नहीं मिल रही है, गेस्ट टीचर्स के उसको ध्यान में रखते हुए जो एक्ट बनाया गया था उसमें भी जो है पूरी तरह से सरकार उसको भी लागू नहीं करती और उसमें भी बहुत ऐसी खामियां हैं जो सरकार को जो है उनको संशोधन करने की ज़रूरत है। तो सभी गेस्ट टीचरों का जो एक ही लक्ष्य है, रेगुलर की डिमांड। तो यह प्रदर्शन आपको पता ही है कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने जा रहा है, तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के जो गेस्ट टीचर भाई हैं उन सबका दायित्व भी बहुत बढ़ जाता है। दूसरे टीचर से हरियाणा के सभी गेस्ट टीचर्स, सभी जिलों से गेस्ट टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रदर्शन में पहुँचे, ऐसी मेरी अपेक्षा है और लगता है कि सभी गेस्ट टीचर जो है अब नए एक संघर्ष के लिए तैयार हैं और हमारी एक ही रेगुलर होने की डिमांड जो है वह रखी जाएगी, सिर्फ रेगुलर, रेगुलर से कम कुछ नहीं। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि 5 सितंबर के दिन सभी गेस्ट टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है यमुनानगर में पहुँचें और इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो ये आखिरी आपका प्रदर्शन होना चाहिए कि हमें रेगुलर ही होना है और एक ही डिमांड है रेगुलर की। यदि सभी साथी इकट्ठे होंगे, सभी साथियों की आपकी जो सफलता है वो आपकी संख्या पर निर्भर करती है। इसलिए ये मेरी आवाज़ को जो भी गेस्ट टीचर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सुन रहा है, तो उन सब से मेरा अनुरोध है कि वो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे और इस प्रदर्शन में जो है भाग लें और इसको कामयाब बनाएं। जय हिंद, जय भारत।